प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान का दूसरा चरण 6 मई को है। इसको लेकर के पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर पुलिस के अलावा सशस्त्र जवान तैनात कर दिए हैं। वहीं चुनाव में भयमुक्त वातावरण के लिए जयपुर के विभिन्न थाना पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर 2 अजयपाल लांबा ने बताया कि किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए अलग से 281 मोबाइल पार्टी पुलिस फोर्स लगाई गई है। साथ में करीब 280 सेक्टर मजिस्ट्रेट और हर विधानसभा क्षेत्र पर एक ADCP समेत 3 ACP सुपरविजन में गश्त पर रहेंगे। इसके अलावा रिजर्व पुलिस के जवान भी इलाके में लगाए गए हैं। सूचनाओं में धनराशि का प्रयोग, शराब, मादक पदार्थ सहित हथियारों के प्रयोग रोकने के लिए स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। जयपुर में करीब 500 अति संवेदनशील बूथ लोकेशन है जहां सबसे ज्यादा पुलिस का पहरा बना रहेगा। लेकर के जयपुर शहर में जो भी क्रिटिकल बूथ हैं, जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं, वो सारे आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। क्रिटिकल बूथ पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे लोकल पुलिस के साथ साथ। वल्नरेबल एरियाज जो हैं उनमें आज हमारे पास CPMF का फोर्स पहुंच जाएगा। कल से उन इलाकों में CPMF की फ्लैग मार्च चालू हो जाएगी। 2 कंपनीज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ थी, उनका फ्लैग मार्च लगातार जारी है। किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए, चुनाव में जो लोग दखलंदाजी देते हैं उनसे निपटने के लिए हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई है। 72 क्विक रेस्पॉन्स टीम से पूरे जयपुर शहर में वो लगातार राउंड पे रहेंगी। 281 हमारी पुलिस मोबाइल पार्टीज हैं, वो लगातार राउंड पे रहेंगी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था है उसे डील करने के लिए। करीब 280 ही सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र पे एक एडिशनल SP रैंक का अधिकारी और उसके सुपरविजन में 3 DYSP रैंक के अधिकारी गश्त पे रहेंगे। एरिया मजिस्ट्रेट प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पे एक एरिया मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। इसके अलावा समस्त जिलों को पर्याप्त रिजर्व फोर्स का कंपोनेंट भी दिया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति